ये रहा आज मेरा इवनिंग का नाश्ता। आप लोग भी ऐसे बनाइए और बताइए आपका कैसा बना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं सारिका, सारिका ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो आइए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर हैं, वो बहुत छोटे हैं, स्कूल स्कूल बॉय हैं। उनका डिमांड था कि आप पनीर सैंडविच का रेसिपी दीजिए। तो उन्हीं के डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर सैंडविच, और उसके साथ है ओनियन टोमेटो सैंडविच भी बना रही हूँ। मैं दोनों का रेसिपी दे रही हूँ। और जो मैं पनीर सैंडविच या ओनियन टोमेटो सैंडविच जो बनाने जा रही हूँ, वो मैं सैंडविच मेकर में भी बनाऊंगी और फ्राई पैन में भी बनाऊंगी। इसलिए कि मान ले किन्हीं के पास अगर सैंडविच मेकर नहीं है तो वो फ्राई पैन में उसको कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगी। तो आइए चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे सैंडविच बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं पनीर सैंडविच भी बनाने जा रही हूँ। तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बता दें। बच्चों लोगों को पनीर सैंडविच बहुत पसंद आता है। मेरे बच्चे तो लंच वगैरह सब में ले जाते हैं। एक बार आप इस तरह से बनाइए सिंपल तरीके से, और बच्चे लंच में भी ले जाएंगे। मैं इसमें चीज नहीं दे रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब लंच में मैं देती हूँ ना, तो चीज ठंडा होने के बाद जो है वो खाने में थोड़ा सा खिंचाया जैसा हो जाता है। इसलिए मैं चीज नहीं डाल के बनाती हूँ, तो उसको वही पसंद है। तो मैं वैसे ही आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पनीर सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए देखिए इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है। ये मेरा पनीर है, ये मेरे घर का पनीर है। हमने घर का जो दूध था उसी को फाड़ के इसको पनीर तैयार किए हैं। और ये कुछ प्याज है, छोटे छोटे टुकड़े में इसको काट लिए हैं। ये धनिया पत्ता है, ये हरा मिर्च है। लेकिन बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो हरा मिर्च ना दें, बच्चों को पसंद आए तो तभी दें। और ये देखिए, ये मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है, इसके लिए 6 पीस ब्रेड है। मैं ये सैंडविच मेकर में भी बना के आपको दिखाऊंगी, और फ्राई पैन पे भी बना के दिखाऊंगी। अगर किन्हीं के पास सैंडविच मेकर नहीं है, या फिर क्या होता है कभी कभी की तैयारी कर लिए, लाइट कट चली गई, तो उसमें फ्राई पैन में कैसे बनाइएगा वो भी मैं बताऊंगी। तो उसके लिए 6 पीस ब्रेड लिया है मैंने। ये चाट मसाला है, ये चिली फ्लेक्स, और ये नमक है। स्वाद के अनुसार मैं नमक डालूंगी। और ये घी है, घी में मैं सैंडविच मेकर में जो बना रही हूँ उसको मैं घी में बना रही हूँ। और फ्राई पैन में कैसे बनाऊंगी मैं दिखाती हूँ। पनीर का जो ये मसाला और फिलिंग के लिए जो सैंडविच में बनाऊंगी कैसे बनाती हूँ, ये पनीर मैंने ले लिया है। ये मेरा 50 ग्राम के करीब पनीर होगा। थोड़ा मोड़ा ज्यादा हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि घर में हमने बनाया है तो उतना हमने इसको वेट नहीं किया है। और इसको इस तरह से इसको मैश कर लेना है कि मतलब ये ज्यादा बड़ा बड़ा टुकड़ा नहीं रहे, इस तरह से। और अब मैं इसमें ये प्याज जो काट के रखा है छोटा छोटा, इसको डाल दे रही हूँ। ये हरा मिर्च और ये धनिया पत्ता। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। और ये चाट मसाला, नमक कम डालिएगा क्योंकि चाट मसाला भी नमकीन होता है, नमक होता है उसमें, इसलिए ये चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला डालिएगा, बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट आता है। और ये चिल्ली फ्लेक्स है। और इसको अब इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया। ये मेरा पनीर का जो मसाला जो सैंडविच में फिल करेंगे वो मेरा तैयार हो गया है। और अब मैं दिखाती हूँ उसको सैंडविच मेकर में डालकर कैसे डालना है। ये घी लिया है मैंने, ये मेरा घर का जो घी, घर का घी है। इसको क्या करना है कि ब्रेड के एक साइड में इस तरह से घी को अच्छे से लगा दीजिए। बहुत लोग इस पे पिज्जा टॉपिंग वगैरह जो आता है, या सॉस, टोमेटो केचप, ये सब भी लगाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पसंद नहीं है। तो मैं बस इसी को लगा के बनाती हूँ। और ये घी वाले पोर्शन को जो है ना नीचे रखना है, नीचे की ओर, ठीक है। फिर सेकेंड वाले ब्रेड में भी ऐसे ही लगा रही हूँ घी। इस तरह से इसको यहाँ रख रही हूँ। अब दिखा रही हूँ, अभी इसको यहाँ मैं रखी हूँ। ये जो ब्रेड हमने इस पे रखा है सैंडविच मेकर पे, इस पे ये फिलिंग जो तैयार किया है मैंने, ये डाल रही हूँ।
इस तरह से इस पे फैला दीजिए। ऐसे ठीक है। और ये जो ब्रेड एक और जिसपे हमने घी लगाया था, इसको अब इस तरह से इस घी वाले पोर्शन को ऊपर रखना है। फर्स्ट वाले में नीचे रखा था मैंने, और ये सेकेंड वाले को ऊपर रखना है इस तरह से। ठीक है, एक और मेरा जो यहाँ पे खाली है उसमें भी मैं डाल रही हूँ उसी तरह सेम प्रोसेस से। ऐसे ही ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरे वाले पे भी इस तरह से पनीर का जो मसाला तैयार किया था वो रख ली हूँ। अब इसको घी वाला जो पोर्शन है सेकंड ब्रेड को उसको ऊपर रखी हूँ, और अब मैं इसको इस तरह से लगा दे रही हूँ, स्विच ऑन कर दे रही हूँ। अब ये यहाँ से भेपर निकलने लगता है, भाप बन के निकलने लगता है। यहाँ पे भी ये रेड लाइट अभी जल गया है, फिर ग्रीन लाइट भी जलता है। थोड़ा सा मेरे यहाँ वोल्टेज का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि कभी कभी लाइट दिखता नहीं है। तो जब भेपर निकालने लगेगा तब मैं दिखाऊंगी आपको, मेरा सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें से भेपर निकालने लगा है, अब मेरा सैंडविच बन गया है। अब मैं यहाँ से स्विच ऑफ कर दे रही हूँ, और इस तरह से अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ। ये देखिए मेरा सैंडविच बनकर तैयार है। ये गर्म है इसलिए मैं इस तरह से नाइफ से पकड़ के निकाल रही हूँ। ऐसे देखिए, एक बार आप इस तरह से बना के देखिए, ये देखिए। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगता है बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको फ्राई पैन में सैंडविच कैसे बनेगा ये दिखा रही हूँ। तो ये मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है और ये गर्म हो गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरा अमूल का बटर है, इतनी गर्मी है कि सब मेरा बटर वगैरह मेल्ट कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं इसमें डाल दे रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। और गैस का फ्लेम मैं थोड़ा लो कर दे रही हूँ, नहीं तो बटर जो है वो जलने लगता है। ये देखिए इस तरह से इसको ऐसे फैला दीजिए, और थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा बटर इस ब्रेड में भी इस तरह से लगा देना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे, और इस लगे ब्रेड में जो बटर लगाया है मैंने उसको नीचे के साइड में ऐसे इसको इसमें डाल दीजिए। और दूसरा जो ब्रेड है उसमें भी अभी मैं बटर लगा रही हूँ, गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, सब बटर वगैरह सब मेल्ट कर रहा है। ये देखिए इस तरह से, आपको अगर आपकी अगर इच्छा है तो आप इस पे सॉस भी लगा सकते हैं, मैं तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन अगर आपके बच्चे या फिर आपके घर में लोग पसंद करते हैं तो आप इसमें टोमेटो केचप लगा सकते हैं। अब क्या करोगे, ये जो ब्रेड हमने इसमें डाला है इसके ऊपर ये जो पनीर का जो हमने मसाला तैयार किया था उसको इस तरह से ऊपर में मैं फैला दे रही हूँ ऐसे। ये देखिए हाथ से, इस तरह से कर दीजिए ऐसे। और ये जो ब्रेड है इसको इसके ऊपर इस तरह से रख दीजिए, ठीक है ऐसे। फ्लेम लो रखना है गैस का ताकि ब्रेड जले नहीं। अब फ्रेंड्स, एक बार मैं इसे पलट ले रही हूँ, इस साइड भी मेरा अच्छे से वो पक गया। ये देखिए इस तरह से, गैस का फ्लेम लो रखिएगा और उस पर इस तरह से थोड़ा सा इसको पकने दीजिए, बनने दीजिए, और ये भी बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए इसको हमने पलट दिया है। और फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पनीर डाल के ही बनाइए, आप जैसे आलू भी डाल के बना सकते हैं। आलू को जो बॉयल करके मसाला आप तैयार करते हैं जैसे समोसा वगैरह के लिए या फिर ब्रेड चॉप बनाने के लिए, उसको भी आप इसमें डाल के बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अभी तो मैं इसके साथ प्याज और टमाटर का सैंडविच का भी रेसिपी दे रही हूँ। तो देखिएगा इस तरह से, जो भी सब्जी अगर जो पसंद है, प्याज टमाटर गाजर खीरा ये सब डाल के आप बना सकते हैं। मैं पनीर डाल के बना रही हूँ और प्याज टमाटर डाल के एक सैंडविच में बनाई हूँ।
तो देखिएगा और कैसा लगेगा लगा मेरा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जा सके। ये देखिए कितना अच्छा से इसका कलर आ रहा है। और फ्रेंड्स मेरा सैंडविच ये बनकर तैयार हो गया है, बहुत झटपट बनता है, बहुत जल्दी बनता है, खासतौर से सुबह सुबह बच्चे को स्कूल जाने का हड़बड़ी रहता है उस समय, तो आप इतने आराम से इसको बना के दीजिए बच्चे को लंच में। ये देखिए इस तरह से मेरा ये सैंडविच बन गया है और अब मैं दिखा रही हूँ उसको, इस तरह से आप कट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स गर्म है अभी इसलिए मुझे थोड़ा सा इसको टच करने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए मेरा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। तो ये रहा फ्रेंड्स, अभी मैं बनाने जा रही हूँ ओनियन टोमेटो सैंडविच, जिसमें कि ओनियन मतलब प्याज और टमाटर दोनों मिला के बना रही हूँ। तो उसके लिए हमने ये 4 पीस व्हाइट ब्रेड लिया है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, और ये प्याज है, ये धनिया पत्ता, और ये 2 हरा मिर्च को हमने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है, प्याज को भी बारीक छोटा छोटा काट लिया है और धनिया पत्ता को भी, और ये टमाटर है इसको भी मैं अभी दिखाती हूँ मिक्स करूंगी, और ये घी है, आप घी के जगह बटर भी ले सकते हैं, और ये है मेरा स्वाद के अनुसार नमक, ये चाट मसाला और ये चिल्ली फ्लेक्स। अब मैं दिखाती हूँ इसको कैसे बना रही हूँ, मैं सैंडविच मेकर में बना रही हूँ। उसके एक बाउल ले लिए हैं और इसमें अब क्या करेंगे कि इस प्याज को जो काट के हमने रखा है इसको इसमें डाल देंगे, इस तरह से, और ये जो टमाटर काट के रखे हैं इसको भी अभी डाल देंगे, और थोड़ा सा ये धनिया पत्ता और ये हरा मिर्च, और ये जो हमने चाट मसाला लिया है इसको भी मैं इसमें डालूंगी, और ये सादा नमक है, स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा जितना आपका क्वांटिटी रहे, और ये चिल्ली फ्लेक्स, अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप चिल्ली फ्लेक्स वगैरह नहीं भी डाल सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरा मिर्च नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको, इस प्याज को, टमाटर को, इस धनिया पत्ता जो हमने सब डाला है इसको इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हम सैंडविच मेकर में बना रहे हैं, फ्रेंड्स ये मेरा सैंडविच मेकर है, तो इसको अब हम खोल ले रहे हैं। ये जो ब्रेड लिया है हमने इसमें ये इस घी को अच्छे से लगा दीजिए, आप चाहें तो सॉस वगैरह भी लगा सकते हैं, मेरे बच्चे सॉस लगा हुआ नहीं खाते हैं इसीलिए मैं इसमें अच्छे से घी लगा दिया है, बटर भी लगा सकते हैं, और ये घी लगा पोर्शन को सैंडविच मेकर में इस तरह से नीचे की ओर रखना है, ठीक है। और एक और ब्रेड ले रही हूँ उसको भी इस तरह से, उसमें भी मैं घी लगा ले रही हूँ, ये मेरा घर का घी है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से इसको मैं यहाँ रख रही हूँ, और ये जो इस ये जो ब्रेड हमने रखा है इसके ऊपर ये जो प्याज टमाटर ये सब का जो मसाला मैंने तैयार किया उसको इस तरह से सबसे फैला देना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ फ्रेंड्स, अगर घर में चीज नहीं है कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ये प्याज टमाटर वगैरह तो सभी के घरों में रहता है, तो इसको इस तरह से फैला दे रही हूँ। तो बहुत इजी तरीके से आप इस तरह से बनाइए, बच्चे को लंच में भी दे सकते हैं, और ये जो ब्रेड हम दूसरे में जो घी लगाए थे इस पोर्शन को अब ऊपर रखना है, घी लगे वाले पोर्शन को ऊपर रखना है, इसको इस तरह से इसके ऊपर ऐसे रखना है, एक मैंने यहाँ डाला है, ये मेरा 2 इसका पार्ट है, अब एक यहाँ डाल रही हूँ, इसको भी सेम उसी तरीके से ऐसे घी लगा के डाल ले रही हूँ। ये देखिए इस पे भी हमने उसी तरह से सेम जैसे पहले वाले पे रखा था उसे ही वैसे ही रख दिए हैं, और ये इस तरह से इसको ऊपर से ब्रेड को जो घी वाला पोर्शन है उसको ऊपर रखा है, ये बस ये ध्यान रखिएगा, या फिर बटर वाले पोर्शन को ऊपर रखना है, और अब क्या करना है इसको बंद कर देना है, यहाँ पे ये टाइट करने का रहता है इस तरह से आपका ये टाइट हो जाएगा, और यहाँ से स्विच ऑन कर देना है। ये देखिए
इसमें स्विच ऑन हो गया है, अभी रेड लाइट जल रहा है, जब इसमें ग्रीन लाइट जल जाएगा तब मेरा सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा सैंडविच अब बन गया है, क्योंकि इसमें से वेपर निकलने लगा है यहाँ से, ये जब बन जाता है तो वेपर निकलने लगता है। और ये देखिए मेरा ग्रीन लाइट हल्का, ये देखिए जल रहा है। अब इसको स्विच में यहाँ से ऑफ कर दे रहा हूँ और इसको ओपन करके दिखाती हूँ खोल के कि मेरा कैसा बना है। ये देखिए मेरा सैंडविच इस तरह से बनकर तैयार है। अब इसको मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, बहुत गर्म है तो इस तरह से ऐसे ये देखिए ये चार पीस मेरा सैंडविच बना है। तो चार पीस ब्रेड था तो दो दो ब्रेड का एक साथ हमने दिया था, तो इस तरह से ट्राइंगल इस तरह से चार पीस मेरा ब्रेड ये बना है। इसको आप टोमेटो केचप के साथ या धनिया के चटनी के साथ या फिर सेजवान चटनी के साथ किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं और बच्चे को लंच में भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा दोनों तरह का सैंडविच, मेकर वाला भी सैंडविच और जो हमने फ्राई पैन में बनाया है वो सैंडविच भी, दोनों मेरा रेडी है। इसको आप टोमेटो केचप के साथ, ये मेरा सेजवान चटनी है उसके साथ, या धनिया की चटनी के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। ये फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।